हाय गाइस, वेलकम टू शॉर्टकट ट्रेडर्स। और शॉर्टकट ट्रेडर्स में हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि आज जब हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको गाइड किया था कि मार्केट का ऑप्शन चेन को आप समझो, तो वहाँ पे हमने ये सिनारीज आपको फेस किया था कि देखो मार्केट 18,700 के ऊपर कंटिन्यू कंटिन्यू यहाँ पे अच्छा खासा क्या हुआ है, अच्छा खासा पुट सेलर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि मार्केट का व्यू हमारा कॉल साइड में है। और ये सिनारीज टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको 1:23 पे प्रोवाइड कर दिया था। तो चलो गाइस, कल बहुत बढ़िया मौका मिलने वाला है, ऑप्शन चेन को समझेंगे, टेक्निकल एनालिसिस समझेंगे और इंट्राडे के अंदर आपको किस तरीके से बढ़िया परफॉर्म मिलेगा इसे भी समझने का कोशिश करेंगे। सो गाइस, इस टेलीग्राम चैनल को जुड़ने के लिए आपको नीचे जो नंबर ब्लिंकिंग हो रहा है 8222-90442, उस नंबर पर आप हेलो हाई लिखिएगा, आपको मिल जाएगा। बट सर्च करके मत लाइएगा, सर्च करके बहुत सारे फ्रॉड चैनल है, आप वहाँ पर फंस जाओगे। ओके, तो देखिए अभी का सिनारीज, अभी बज रहा है 3:18, 3:18। और अभी का सिनारिस पे हमें दिखाई दे रहा है जो एट द रेट मनी में, यानी कि 18,700 के ऊपर मार्केट का अच्छा खासा एक चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है पुट साइड में। ओके, और कॉल साइड में क्या दिख रहा है ना, 18,750। अब ऐसे कंडीशन पे क्या होता है, मार्केट में बीच जो अभी मिडिल पॉइंट है, अब मिडिल पॉइंट से ओवरनाइट के बाद क्या होता है, देखो गैप अप सेंटिमेंट्स हमारा इंटरडे ट्रेडिंग सेटअप को डिस्टर्ब कर देता है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात है, अगर इंटरडे करेंगे तो भी कभी कभी बुरी तरीके से फंस जाते हैं, सही बोल रहा हूँ कि? चलो तो फुल टेक्निकल को समझेंगे, बिगिनर्स जो है उनके लिए बहुत मदद मिलने वाला है मेरा हर वीडियो। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके आप सब्सक्राइब मत कीजिएगा, एक दो वीडियो सबसे पहले देखिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तभी जाके सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो देखो अभी 18,700 यहाँ पे क्या होता क्या, ऑप्शन चेन के ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, यानी कि लोग कहाँ पे सेल कर रहे हैं, जो FISDIs है वो कहाँ पे सेल कर रहे हैं, ये डेटा हमारे सामने प्रेजेंट होता है। तो FISDIs ने 18,700 के ऊपर सेल भी करा है आज का दिन पे। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मतलब क्या है, आज का दिन पे बहुत ज्यादा यहाँ पे सेल किया हुआ है। ओके, तो पुट सेल कर रहा है, यानी कि इनका क्या मतलब है, आप अगर पुट बाय करते हो तो क्या मतलब होता है, मार्केट नीचे जाने का, तो सेम उसको उल्टा कर दो, पुट सेल कर रहा है उसका मतलब क्या है, मार्केट ऊपर जाने का। ओके, इससे ये सिनारी समझ में आता है। तो ऑप्शन चेन हमें बता रहा है कि मार्केट 18,700 को ऊपर ही ओपन होने वाला है। देखो गाइस, यहाँ से ये समझ में आता है कि ऊपर ओपन होने वाला है। अब कितने लोग EMO ऑर्डर डाल रहे होंगे मॉर्निंग पे, और SGX निफ्टी कितना है, उसके ऊपर डिपेंड होगा कि कितनी गैप अप होगा। ठीक है, चलो तो अब मैं चलूंगा मार्केट के ऊपर। अब मार्केट के अंदर ना देखोगे तो बहुत अच्छा शानदार कैंडल बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा। आप अगर 1 डे का टाइम फ्रेम देखोगे इतनी बढ़िया दिन नहीं हो सकता है। बट जिन लोग पूरा दिन ट्रेडिंग किया है ना, उनसे पूछ के देखो ये कितना अच्छा दिन रहा है, वो उन लोग बोलेंगे इतनी बेकार दिन कभी नहीं मिलता है, सही कि नहीं? चलो गाइस, आप लोगों सही दिल की बात मैं कहता हूँ। ओके, तो जिन्होंने मॉर्निंग अपडेट वीडियो देखे थे, मैं उनको ये चीज बहुत क्लियर कर दिया था। ओके, मार्केट कहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, तो 18,600 से लेके और 18,700 ये मार्केट का रेंज आज बन सकता है, ये मैं क्लियर किया था। अब देखो यहाँ पे ना पूरा दिन आपको परेशान किया, जब ये ब्रेक डाउन हुआ तो आपको लगा कि मार्केट में बहुत अच्छा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ, मार्केट एक सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला गया। तो मैं लास्ट टाइम पे क्या बोला, जो 2:45 पे जो मार्केट लास्ट टाइम पे एक पॉजिटिव ट्रेंड मार्केट में आ सकता है, और वही चीज हमारा होता हुआ दिखाई दिया। चलो गाइस, कल का सेटअप समझ लो, ठीक है, कल का सेटअप समझ लो। मैं यहाँ पे नेक्स्ट डे का लेवल दे दूंगा, जैसे हर रोज एक दिन पहले मैं लेवल देता हूँ, कल भी लेवल दिया था आप लोगों को, और आज भी हम ये वीडियो क्लोज होने के बाद लेवल देंगे, क्योंकि अभी 3:20 हो रहा है। तो कल क्या बताए थे कि 673 के ऊपर जाएगा तो और बिंदास हो जाओ। ओके, तो इसी तरीके से लेवल मैं दे दूंगा आज। बट यहाँ पे ये समझ लीजिए कल के लिए रेजिस्टेंस कहाँ है, तो बहुत क्लियर बता रहा हूँ, कल के लिए रेजिस्टेंस होगा 18,784, कितना, 18,784, ये कल के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, कहाँ तक, लगभग ये लेवल तक, 18,783, क्लियर, ये समझ लीजिए। अब देखो हो सकता है कि मार्केट ऐसी जगह पे कोई ओपन हुआ कि अगर इसका बीच में ओपन हुआ तो आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा। ठीक है, इसका बीच में कोई ओपन हुआ तो आपको बहुत अच्छा मौका मिला है। अब सुबह के सेशन पे मान लो आपको परेशान किया मार्केट, ओपन हुआ थोड़ा सा डाउन आया फिर पॉजिटिव गया, आप यहाँ पे बाइंग एंट्री ले लोगे, आप यहाँ पे बाइंग एंट्री ले लोगे, क्लियर। कहाँ तक टारगेट रहेगा आपको, टारगेट रहेगा 18,780,
क्लियर, यहां तक टारगेट रहेगा, समझ में आ रहा है। अदरवाइज दूसरा पिक्चर, अगर मार्केट गैप अप होकर ओपन हो रहा है, तो अगर मार्केट 75 के करीब, 718,775 के करीब ओपन हुआ और उसी टाइम पे 85 का हाई बनाया, उसके ऊपर नहीं जा पाया और यहीं पे मार्केट रुका, यहीं पे मार्केट रुका। देखो काफी देर अगर इस टाइप का रुकेगा, यहाँ पे मार्केट रुकेगा, उसके बाद अगर नेगेटिवनेस आएगा तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग यहां से अगेन आ सकता है। कब तक? बहुत बड़ा अपसाइड नहीं जाओगे आप जब तक ना 18,785 के ऊपर 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे स्टे नहीं कर जाता है। हाँ, अगर यहाँ पे 15 मिनट स्टे कर जाता है ना इसके ऊपर, तो उसका नीचे का जो कैंडल हाई बनाया है, उस कैंडल का लो पे स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके चलते रहो। बाय द वे, आपको अगर 18,785, ध्यान से सुन लीजिए, ज्यादा ज्यादा यहाँ पे आपको पागल बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अगर इसके ऊपर आपको स्टे कर गया है तो आप बहुत अच्छा पॉजिटिव साइड जाओगे। बट जिन्होंने स्टॉक ट्रेडिंग करते, देखो ऐसे मार्केट में ना बहुत लोग हम डरते हैं कि कहाँ पे ट्रेड करें। तो देखिए, आज हमने बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के ऊपर व्यू दिया हूँ कि ये बहुत अच्छा ऊपर जा सकता है। रिलायंस के ऊपर कल का वीडियो का सेशन पे मैं मेन क्या बता रहा था कि रिलायंस शानदार चार्ट है, बहुत अच्छा चार्ट है, तो रिलायंस ही मार्केट को खींचेगा। ओके, डीएलएफ के ऊपर कॉल ऑप्शन दिया था, टाइटन के ऊपर कॉल ऑप्शन दिया था, सब कॉल ऑप्शन आपको टारगेट दिया। डीएलएफ पे मैं यहां तक बताया कि डीएलएफ आप होल्ड करो ऑप्शन को, बहुत अच्छा मौका मिलेगा। कितनी भागा देखे आपने? आप जिन लोग सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखते हो, तो ऐसे ऐसे दिन पे ना आपको स्टॉक ट्रेडिंग पे भी जाना चाहिए। अब स्टॉक ट्रेडिंग कैसे करोगे? तो आप अगर सिर्फ सीपी पे काम कर रहे हो तो शायद स्टॉक के ऊपर बहुत अच्छा नॉलेज नहीं है। बट अभी बातों बातों में ना बैंक निफ्टी बहुत अच्छा सिनेरियो बना रहा है। क्या बना रहा है? पूरा दिन का, पूरा दिन का आप पिछले 1-2 दिन का जो हाई है उसे ब्रेक कर रहा है। देखो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव सिग्नल है बैंक निफ्टी के लिए। अब बैंक निफ्टी एनालिसिस में क्या आता है, बैंक निफ्टी हमारे को ये पिन पॉइंट है जो अभी चल रहा है ना, यही पिन पॉइंट है। इस पिन पॉइंट के ऊपर स्टे करना है, अगर फर्स्ट 5 मिनट इस पिन पॉइंट के ऊपर जाता है तो हम अच्छा कॉल साइड बनेगा। और ये कॉल साइड आपको फर्स्टली 44,188 ये आपको रेजिस्टेंस बनेगा, सेकेंडली बनेगा आपको 44,325, ठीक है? ये दो लेवल लिख लीजिएगा, 44,188 एंड 44,325, यानी कि ओवरऑल आप क्या देख रहे हो, मेरा व्यू फिलहाल कॉल साइड में ही लग रहा है, मॉर्निंग सेशन पे कॉल साइड में ही लग रहा है। अब मॉर्निंग के बाद अगर फिर से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आता है तो वो बात की बात है। ओके, तो इतना है कि हम मार्केट में साइड में रहेंगे, राइट, कॉल साइड में रहेंगे, बाय ऑन डिप का रणनीति फिर से अपनाएंगे तो अच्छा रहेगा। कल के लिए क्या टारगेट है ये भी मैं आपको समझाया। अब जो कल के लिए मैं स्टॉक सिलेक्शन किया हूँ वो मैं किया हूँ इन्फोसिस एंड बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। फिलहाल मेरा पास ये दो स्टॉक मैं कल के लिए सिलेक्शन किया हूँ, और डीएलएफ, इन तीन स्टॉक में ध्यान दीजिए, इसमें अच्छा खासा रिटर्न कल के सेशन पर हमारे को मिलता हुआ दिख सकता है। तो गाइज निफ्टी, बैंक निफ्टी, आज देखो फिन निफ्टी का एक्सपायरी था, लेकिन फिन निफ्टी इतनी अच्छा मोमेंटम नहीं देता है। आज सुबह भी बताया था कभी कभी पागल जैसे बिहेव करता है, तो हम फिन निफ्टी के ऊपर नहीं जाएंगे। अब बात आता है सर, मार्केट इन दिनों पे इतनी खराब बिहेव क्यों कर रहा है? खराब बिहेव क्यों कर रहा है ना, बहुत अच्छा बिहेव तो नहीं कर रहा पहले जैसे, बट ऐसे क्यों? गाइस यहाँ पे ना सेंसेक्स के ऊपर ट्रेड हो रहा है, फिन निफ्टी के ऊपर ट्रेड हो रहा है, निफ्टी के ऊपर ट्रेड हो रहा है, बैंक निफ्टी के ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो लोग कहाँ कहाँ पे ट्रेड करें, ये एक सिचुएशन आता है मार्केट में। तो मार्केट अलग अलग जगह पे बटा हुआ है और जिसके कारण से मार्केट का वॉलेटाइल जो है, वॉल्यूम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, जिसके कारण मार्केट में यही सिनारीज अभी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।